Assalamualaikum, I'm Maria Khan from Amanat.com and welcome to another episode of Times of Real Estate. Today I'm here at 18 and we are going to talk about one of the most luxurious projects in Twin Cities. And today I have a very special guest with me, Mr. Ashik Ali, who is the Director of Sales of 18. And we're going to talk about some unique features of 18, some different details regarding 18. So first of all, sir, welcome to Times of Real Thank Estate. Thank you so much, ma'am. Thank you. Sir, my first question to you is, कि जो 18 का प्रोजेक्ट का जो विजन है जो आप लोगों का है इस प्रोजेक्ट को लेके उसके बारे में कुछ व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि व्हाट वाज द विजन व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट जरूर हमारा बड़ा सिंपल विजन रहा जी अ प्लेस टू रिफ्लेक्ट अ प्लेस टू रिलेट इस विजन के पीछे बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से दैट वी वांट पीपल टू हैव अ प्लेस वेयर दे हैव हाई क्वालिटी लिविंग which they can reflect to others and relate to others as well. That was one liner vision, which is very simple to understand for everyone. All right, sir, my second question to you is, ki 18 kis tarike se jo baki bahut se residential societies hain Islamabad Rawalpindi mein unse unique hai unse different hai and what are some of the features ke wo 18 mein hain jo as compared to baki jo societies hain ya baki projects unme nahi hai yani how 18 is basically unique and different from other projects 18 की जहाँ तक यूनिकनेस की बात है इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपके साथ डिस्कस किए जा सकते हैं लेकिन अगर मैं उसको समराइज़ करूँ और चंद पॉइंट्स में अगर बताऊँ तो उसमें सबसे पहले जो सबसे यूनिक और डिफरेंट है हमारा प्रोजेक्ट इट्स बेस्ड ऑन टाइटल डीड टाइटल डीड का मतलब है कि इसमें जितने भी आपके बायर्स हैं उनको ज़मीन का इंतकाल और फर्दनामे उनके नाम पर मिलते हैं जैसे कि बाकी प्रोजेक्ट्स आप देख रहे होंगे कि अलॉटमेंट होती है ठीक है और लीज होल्ड जिसे हम कहते हैं तो ये फ्री होल्ड प्रोजेक्ट है जिसमें हम ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन बल्कि ज़मीन की भी मिल्कियत उसको ख़रीदने वाले के नाम पर ट्रांसफ़र करते हैं फिर उसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत कम प्रोजेक्ट्स हैं जो गोल्फ़ कोर्स को फीचर करते हैं हम 18 होल चैम्पियनशिप गोल्फ कोर्स को फीचर कर रहे हैं सो गोल्फ कोर्स लिविंग एक पॉइंट है फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें जितनी भी क्वालिटीज हैं जितनी भी एमिनिटीज़ हैं जितने भी आपके सहूलियात हैं वो तमाम सहूलियात और एमिनिटीज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने इसमें डेवलप कर रहे हैं जिसमें अगर आप देखें तो गोल्फ कोर्स एक फैक्टर आ जाता है इसकी लेक्स हैं जो लेक्स हमने बनाई हैं फ्रेश वाटर लेक्स हैं जो पूरे प्रोजेक्ट में रन कर रही हैं पाकिस्तान में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो इतने मेगा स्केल के ऊपर लेक्स दे रहा है उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो हम रेशोज लोगों कस्टमर्स को हम बताते हैं रेशोज तो हम बताते हैं 16 to 84% यानी कि 16% का बिल्डिंग फुटप्रिंट है और 84% के ऊपर आपकी डेवलपमेंट आ रही है जिसमें गोल्फ कोर्स है वॉकवेज हैं जॉगिंग ट्रैक्स हैं ठीक है वॉकिंग ट्रैक्स आपके बने हुए हैं किड्स प्ले एरियाज आपके बने हुए हैं लेक्स उसमें शामिल हैं फिर इसके अलावा अगर आप मज़ीद इसमें चीज़ें ऐड करेंगे तो जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं ठीक है वो वन ऑफ इट्स काइंड है 5 साल की स्ट्रक्चरल वारंटी हम अपने कस्टमर्स को देते हैं ठीक है जो कि मेरा नहीं ख्याल कि बहुत कम और या शायद ही एक आध डेवलपर आपको ये चीज़ें ऑफर कर रहा होता है फिर इट्स अ गेटेड कम्युनिटी ठीक है 680 एकड़ के ऊपर गेटेड कम्युनिटी है जिसके डेडिकेटेड एंट्रेंसेज हैं ठीक है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी लोकेशन है ठीक है बहुत कम प्रोजेक्ट्स या बिल्कुल ना होने के बराबर प्रोजेक्ट्स हैं जो मेन हाईवे के ऊपर इस्लामाबाद में मौजूद हैं हमारा प्रोजेक्ट इट्स वन ऑफ काइंड जो मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर मौजूद है और बिल्कुल कश्मीर हाईवे से एडजस्टेंट हमारी ठीक ठाक फ्रंट इसका चलता है तो ये चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें बहुत यूनिक बनाती हैं मार्केट में Definitely. Sir, my another question to you is, ke, how do you think that 18 has an impact on the real estate sector of Pakistan as a whole? एज अ होल जब रियल स्टेट सेक्टर के इम्पैक्ट की बात करते हैं तो हम वी वर वन ऑफ द पायनियर्स जिन्होंने वन स्टॉप सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया ठीक है वी रीशेप द रियल स्टेट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान बाई ब्रिंगिंग दिस प्रोजेक्ट टू पाकिस्तान बिकॉज इससे पहले जितने भी पाकिस्तान में आपके प्रोजेक्ट्स आते हैं वो प्लाट्स के हवाले से आते हैं मतलब ज़मीन को प्लाट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके प्लाट्स को आगे सेल किया जाता है Whereas हमने टर्न की सोल्यूशन दिया टर्न की सोल्यूशन का मतलब है कि आपको रेडी फुली फिटेड अपार्टमेंट्स रेडी फुली फिटेड विलास इन एडिशन टू अदर एमिनिटीज़ जैसे कि अगर बाकी एमिनिटीज़ की हम बात करें तो इसमें स्कूल्स आपके हैं कमर्शियल रिटेल है कमर्शियल ऑफिसेज हैं अच्छा इसके बाद 5-स्टार होटल की प्रोविजनिंग है फिर रिटेल मॉल की प्रोविजनिंग है फिर इसमें आपके अपार्टमेंट्स हैं विलाज हैं मेडिकल फैसिलिटी आपकी है इसमें ठीक है इट्स अ टर्न की सोल्यूशन वन स्टॉप सोल्यूशन कहते हैं तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही था कि वी चेंज्ड the vision of real estate in Pakistan from selling plots to a turnkey solution जहाँ पर आपको ready product मिल रहा है
सबसे बड़ा इम्पैक्ट वी फील के दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पैक्ट एंड विच अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग द पायनियर अब बाकी डेवलपर्स भी इस चीज को फॉलो करना स्टार्ट कर गए. तो सर माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं हाउ डू दे परसीव दिस प्रोजेक्ट एंड व्हाट आर द बेसिकली व्यूज यू गेट फ्रॉम देम. Overseas Pakistanis are the backbone for our country. Yes. Be it real estate, be it remittances, be it anything, they serve as a backbone to our country. And Alhamdulillah, we have been very successful to get a very positive rating, very positive ranking from our overseas Pakistanis. This positivity from them to us is because of certain factors, like sabse bada trust factor hai. ठीक है, बिकॉज द ग्रुप्स विच आर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट आर वेरी रीनोन ग्रुप्स लाइक सेफ ग्रुप, लाइक ओरा डेवलपर्स, लाइक कोहिस्तान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स. दे आर नोन टू एवरीवन लोकली एंड इंटरनेशनली. एक सबसे बड़ा ट्रस्ट फैक्टर वो है. फिर सेकंड, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि पीपल लव टू ओन द लैंड. दे लव टू हैव द इंतकाल का जो हम वर्ड यूज करते हैं हमारे लोकल टर्मिनोलॉजी में, दे लव टू हैव दैट विच वी आर प्रोवाइडिंग. ठीक है, देन उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए जो हमारे इंस्टॉलमेंट प्लान्स हैं, इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर देम कि आप डाउन पेमेंट पे करते हैं 15%, उसके बाद 3 and 4 years का पेमेंट प्लान उनको मिल जाता है जो कि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है इन ऑर्डर टू हैव अ प्रॉपर्टी. रादर देन पेइंग 100% अपफ्रंट, we give a easy installment plan from 3 to 4 years depending on the unit and depending on the cluster that they are planning to buy. To is hawale se ek to ye unka hai. Phir uske baad what they are living, basically overseas mein agar hum baat karte hain to they are living in a certain quality of life. Yes. ठीक है, हाउसिंग के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एंड वी आर अल्हम्दुलिल्लाह बीन सक्सेसफुल टू डू इज टू प्रोवाइड द सेम क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट दे आर एंजॉयिंग ओवरसीज हियर इन पाकिस्तान इन देयर होम कंट्री. यस, ठीक हो गया. तो ये चंद फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ओवरसीज का काफ़ी हमारी तरफ ट्रस्ट फैक्टर अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग है. फिर ओवरसीज की काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हमारी तरफ आती हैं एंड विच इज डेफिनेटली हेल्पिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, क्योंकि फॉरेन रेमिटेंसेज आपकी आ रही हैं, इट हेल्प्स. तो एक आपका ये डोमिनो इफेक्ट होता है हर चीज़ का एंड वी आर वेरी प्राउड एंड अल्हम्दुलिल्लाह कि हम प्राइम मिनिस्टर के विजन के साथ चलते हुए ना सिर्फ हम एक बेहतरीन हाउसिंग ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं लोकली एंड इंटरनेशनली एज वेल फॉर पाकिस्तानीज, व्हेयरएज वी आर आल्सो ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इन शेप ऑफ फॉरेन रेमिटेंसेस. सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू फॉर दिस कन्वर्सेशन. सो व्यूअर्स, दिस वाज अनदर एपिसोड ऑफ टाइम्स ऑफ रियल एस्टेट एंड आई वाज इन कन्वर्सेशन विद मिस्टर आशिक अली. वी वर डिस्कसिंग सम थिंग्स अबाउट 18. सो आई होप दैट यू लाइक दिस एपिसोड एंड फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल. लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, देन डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एज वेल. एंड फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस स्टे ट्यून्ड. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़. amanat.com, पाकिस्तान्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल. मशवरा अमानत है.